बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नीना जेम्स में आप सबको बहुत खुश आमदीद। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे। आज जिस ख्वाब की ताबीर मैं आपको बताऊँगी वो है ख्वाब में गिरना। हम ख्वाब में खुद को मुख्तलिफ तरीक़ों से गिरता हुआ देखते हैं, जैसा कि ऊँचाई से गिरना, किसी दीवार से गिरना या पाँव फिसल जाना। इस तरह हम बहुत सी ख्वाब देखते हैं जिनमें हम गिर जाते हैं। इन सब की मुख्तलिफ ताबीरात हैं। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। हज़रत इब्ने सीनी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक ख्वाब में गिरना, किसी ऊंचाई से गिरना, ये परेशानी में मुबतला होने और आरजू या मुराद पूरी ना होने की अलामत है। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक ख्वाब में गिरना उम्मीद और ख्वाहिश के पूरी ना होने और जिस्म को तकलीफ़ पहुंचने की अलामत है। ख्वाब में रास्ते में चलते हुए गिरना ये गुमराह होने, बुराई करने और दीन से दूरी की अलामत है। ख्वाब में पाँव फिसल जाए और गिरना ये दुख दर्द मिलने, गम पाने और फितना और फसाद की अलामत है। ख्वाब में ठोकर लगे और इस वजह से गिरना ये तंगदस्त होने, कारोबार में नुकसान उठाने की अलामत है। ख्वाब में किसी जानवर की सवारी करते हुए गिरना ये इज्जत और मर्तबा गिरने, गरीब होने और दौलत से हाथ धोने की दलील है। ख्वाब में मुंह के बल गिरना ये परेशान होने, किसी मुसीबत में मुबतला होने और मकरूज होने की निशानी है। जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो मकान की छत या किसी दीवार से गिरा है तो ये बेइज्जत होने, जलील व ख्वार होने और दुख दर्द की अलामत है। ख्वाब में किसी ऊंचाई से गिरना कारोबार में नुकसान होने, इज्जत में कमी होने और ओहदे से गिरने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो बहाने में गिरा है तो ये बदकारी करने, माल हराम खाने और बदनाम होने की दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो उड़ रहा है और गिर गया है तो ये किसी मुसीबत में फंसने, मर्तबे से गिरने और गम और दुख पाने की अलामत है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि वो किसी गड्ढे में गिर गया है तो ये किसी आफत के आने, मकरो फरेब मिलने और मुश्किलात में फंसने की दलील है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि वो सीढ़ी से गिरा है तो ये हालात के तब्दील होने की अलामत है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि वो बहुत गहरे पानी में गिरा है तो ये कसीर तादाद में दुनिया मिलेगी और किसी बड़े आदमी से वास्ता पड़ने की अलामत है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि वो गिरा है तो ये कि लेकिन चोट नहीं आई तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो हमारे हक में अच्छा है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे, खुद को गिरता देखे और फिसलते देखे तो ये इस बात की तरफ भी इशारा होता है कि आप किसी मुसीबत या टेंशन में मुब्तला हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे और अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं। तो हमें इस हालत में भी ऐसे ख्वाब आते हैं। ये थी हमारी आज की ख्वाब गिरने की ताबीर के हवाले से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड और फैमिलीज में शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिए अगर आप किसी ताबीर के बारे में जानना चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।